दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ और टिप्स शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। तब शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल जैसे कई मेजर मॉन्यूमेंट्स का टाइमिंग्स था पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। अब ताजमहल जैसा जगह जो रात में इतना सुंदर लगता है, वो केवल 5 रात ही खुला रहता था 1 महीने में टूरिस्ट के लिए। बेसिकली फुल मून नाइट, और उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद। और उसका भी टिकट लगता था 510 रुपये इंडियन नेशनल्स के लिए और 750 रुपये फॉरेन नेशनल्स के लिए। पर अब सरकार ने क्या की है, ताजमहल सनराइज से रात 9 बजे तक रोज खुला रहेगा। और ऐसे कई मेजर मॉन्यूमेंट्स भी, उनका भी यही टाइमिंग अब हो जाएगा। दोस्तों, नायग्रा फॉल्स जो दुनिया में इतना फेमस है अमेरिका में, वहाँ लाखों रुपया लगता है वहाँ जाने के लिए, उसको देखने के लिए। वेल, अपने सब तो वहाँ जा नहीं पाते हैं, पर अब जाने का दरकार भी नहीं इतना दूर, क्योंकि इंडिया में ही उसका छोटा भाई मौजूद है। और एक्चुअली छत्तीसगढ़ का चित्रकूट नायग्रा फॉल्स, आई वुडन्ट से नायग्रा फॉल्स बिकॉज इसका नाम है चित्रकूट फॉल्स, बट छत्तीसगढ़ का चित्रकूट फॉल्स एक्चुअली यहाँ का सबसे ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल है पूरे इंडिया का, और देखने लायक। एक्चुअली मानसून में तो आपको मजा आएगा, स्पेशली आप जुलाई से अक्टूबर जाते हो ना, तो बेस्ट टाइम है टू सी दैट वाटरफॉल इन एक्शन। इतना ह्यूज वाटरफॉल है। और बस्तर एरिया में तो आपको वहाँ से थोड़ा दूर, करीबन 40 से 1 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, पर मज़ा आ जाएगा देख के। आप मिस नहीं करोगे नाइग्रा फॉल्स अमेरिका का, यहाँ का फॉल्स आप देख के। दोस्तों, ऐसा कौन सा जगह इंडिया में जहाँ वाटरफॉल्स, फोर्ट्स, लेक्स और मोनेस्ट्रीज सब बहुत सारे हैं और बहुत ही सुंदर? वेल, आप बोलोगे राजस्थान। वेल, राजस्थान में वाटरफॉल है, लेक है, फोर्ट्स है, पर मोनेस्ट्रीज कहाँ है? उदयपुर, अगेन वहाँ ये सब है पर मोनेस्ट्रीज नहीं है। और कहाँ है केरला, अगेन मोनेस्ट्रीज नहीं है। तो कहाँ ये सब कुछ मिलेगा और ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेगा? वे लेह लद्दाख में मोनेस्ट्रीज है, पर वहाँ आपके वाटरफॉल्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे, और ना आपके फोर्ट्स हैं वहाँ। या मोनेस्ट्रीज काफ़ी, पर फोर्ट्स नहीं है लेह लद्दाख में। तो वे कौन सा जगह है? ये है अरुणाचल प्रदेश। यस, इतना पॉपुलर जगह नहीं होने के बावजूद इतना सुंदर है। और वही उसका खास बात है कि अभी भी अनटच्ड ब्यूटी है, अभी भी अपने आराम से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक्चुअली इतना सुंदर है कि आप जाओगे ना, बोले कि वाह, इतना दिन तक मैं क्यों यहाँ नहीं गया, इतना जगह घूम लिया, इस जगह क्यों नहीं गया। वेल, बहुत लोगों को शुरू में लगता था कि भाई थोड़ा अनसेफ है, मे भी कैसा रहेगा क्या रहेगा, पर काफ़ी सेफ्टी अब हो गया वहाँ। ऐसा अनसेफ नहीं रहा जितना पहले अनसेफ था। अब आराम से आप जा सकते हो, घूम सकते हो, बहुत लोग घूम रहे भी है और मज़ा कर रहे हैं वहाँ जाके, इतना सुंदर जगह है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का स्टार अट्रैक्शन जहाँ आपको जाना तो बनता ही है, वो है जीरो वैली, जो करीबन 4,000 फीट पर स्थित है। और चारों तरफ आपको बैम्बू और पाइन ट्रीज नजर आएंगे। इतना सुंदर, इतना जबरदस्त ग्रीनरी चारों तरफ मिलेगा, मतलब ब्यूटिफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज आप देखोगे। एंड एक्चुअली सबसे बड़ा आराम है कि बेसी दूर भी नहीं है। ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, वहाँ से केवल 115 किलोमीटर ही दूर है जीरो वैली, तो आराम से वहाँ जा सकते हैं। देखिए, जीरो वैली में नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, पर एक और खास बात है वहाँ का, वो है वहाँ का आपातानी ट्राइब। बहुत फ्रेंडली ट्राइब है, लोग बहुत फ्रेंडली है। और वहाँ इसलिए ट्राइब का खास बात क्या है कि यहाँ के जो जितने भी फीमेल्स हैं ना, जितनी भी लेडीज है, उनका फेस में आप टैटू देखोगे, फेस जनरली टैटू से भरा होगा। तो एक्चुअली पहले ज़माने में क्या होता था ना, कि उनको डर रहता था कि दूसरा ट्राइब का आदमी चुरा के उनको नहीं ले जाए उनका ब्यूटी देख के, इसलिए चेहरे में टैटू करते हैं ताकि उनका ब्यूटी झलके नहीं, सामने दिखे नहीं। वेल, वो परंपरा अभी भी चला आ रहा है, और इसलिए वो अपना चेहरे को टैटू रखते हैं। तो जीरो वैली जाने के सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप गुवाहाटी एयरपोर्ट से जाओ, वहाँ लैंड करो, और वहाँ से 450 किलोमीटर दूर है जीरो वैली। वेल, वहाँ से आपको टैक्सी बस दोनों मिल जाएगा, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है गुवाहाटी से जाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह आप गुवाहाटी के थ्रू जा सकते हो, तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन होना चाहिए फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सप्लोर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, एयरलाइन इंडस्ट्री में कभी कभी बहुत ही अजीब गरीब किस्से होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, गोवा एयरपोर्ट में बकायदा आपका एयरप्लेन लैंड करने वाला था, पायलट बोलता है कि भाई मैं लैंड कहाँ करूँ, रनवे में जगह ही नहीं है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने हुआ क्या, बोले कुत्ते दौड़ रहे रनवे में। तो यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्चुअली रात का समय था, उनको दिखे नहीं कुत्ते, बट देन दिस इज नॉट मेंशन्ड बी, बट एनी वे ऐसा हुआ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे एक बार हुआ था इंडिगो एयरलाइंस में भी, हुआ क्या कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली फ्लाई करने वाला था। अब 45 मिनट से पैसेंजर सब बैठे हुए एयरक्राफ्ट के अंदर, और प्लेन उड़ी नहीं रहा है। बाद में क्या हुआ, 45 मिनट बाद वो इंडिगो वाले ने कहा कि भाई आप उतर जाओ, बाद में दूसरा प्लेन में जाओगे। क्यों? क्योंकि पायलट आए नहीं उड़ाने के लिए, प्लेन को पायलट नहीं था उड़ाने के लिए।
तो आई बिलीव मोस्ट प्रॉब्ली क्या हुआ होगा कि कोई एयरलाइन कोई प्लेन आने वाला होगा इंडिगो का, जिसका पायलट एक्चुअली ये प्लेन उड़ाने वाला होगा, तो आए नहीं या लेट हो गया वो प्लेन को, इसलिए पायलट भी यहाँ नहीं उड़ा पाया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है विच इज क्वाइट, कभी सोच नहीं सकते कैसा भी कुछ हो सकता है, बट इट कीप्स हैपनिंग वंस इन अ वाइल इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। दोस्तों अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ बहुत ही अनोखा मंदिर है। ये मंदिर एक्चुअली शिव मंदिर है और नर्मदेश्वर नाम इस मंदिर का, पर इसको फ्रॉग टेम्पल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट मंडुक नाम है इस मंदिर का। और खास बात इस मंदिर का ये है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, वो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्रॉग के बैक के ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है, एकदम वैसा ही आपको लगेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो यहाँ का राजा था बहुत साल पहले, भगत सिंह बोल के राजा था, उसको कहा कि जो फ्रॉग है, कोई फ्रॉग था जिनसे बहुत अच्छा उनको ब्लेसिंग्स मिला, काइंड ऑफ अ तांत्रिक ब्लेसिंग्स मिला, जिससे उनको ऐसा रहा कि उनका वो लाइफ तो बहुत ही खुशहाल गुजरा, उनके बाकी के डिसेंडेंट्स और बाकी के जो जनरेशन से उनका भी जिंदगी आराम से गुजरे, वो उनको ब्लेसिंग मिला था कोई फ्रॉग से। तो उस कारण से ये परंपरा चलता आ रहा है और आज के दिन भी वो जो उनका जो डिसेंडेंट्स है वो बहुत मानते हैं उस मंदिर को। दोस्तों अब कुछ ही समय बाद हमें चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे। तो जो पुराने पासपोर्ट जितना सालों से चला आ रहा है वो बंद हो जाएगा और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मच बेटर पासपोर्ट्स अपने को मिलेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑनलाइन से भी अपने अप्लाई कर पाते, आज तो अपने कर ही पाते, कितना बड़ा आराम हो गया है। उसके अलावा जो सेवा केंद्र भी है उनके बीच में भी गवर्नमेंट ने क्या कॉम्पिटिशन कर रखा है और प्राइजेस मिलता है जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। और इसमें एक नंबर में जलंधर, फिर कोचिन और फिर आपके कोयम्बटूर, ये तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इनको प्राइजेस भी दिया गया था। तो देखिए क्या होगा ना, पहले आपको ध्यान है पहले पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन में भी इतना समय लगता था, अब तो बहुत फास्ट 1 हफ्ते में हो जाता है, मैक्सिमम बोलते 15 दिन में तो होना ही है। इनफैक्ट अब तो ये भी आराम हो गया कि अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा रहे और एक्सपायर होने के पहले रिन्यू करा रहे हो तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन का भी दरकार नहीं है, वो भी अब दरकार नहीं पड़ता है। जैसे मेरा पासपोर्ट जब मैंने रिन्यू कराया तो सिंस वो एक्सपायरी डेट के पहले रिन्यू हो रहा था तो देर वॉज नो पुलिस वेरिफिकेशन, तो बहुत ही आराम हो के बहुत इजी वे में मिल जाता है। और 1 हफ्ते में मेरे पास पासपोर्ट भी आ गया था। इनफैक्ट अब तो कवर भी देते हैं, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते, 350 के कवर और 450 के, 350 का सिंपल कवर है, 450 का तो लेदर वाला है। तो मैंने 350 का कवर मंगाया तो फर्स्ट क्लास कवर, एक्चुअली इट इज़ वर्थ 350 रुपीज़। तो आप कवर भी जरूर लीजिए, अगली बार आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, इट्स अ वेरी नाइस कवर, उसमें आप पासपोर्ट डाल सकते हो, अंदर और भी कुछ पॉकेट्स है जहाँ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, तो बहुत ही सही है। दोस्तों एक बहुत ही अजीब और गरीब साइटिंग स्पॉट है जापान में, जो है ओकुनोशिमा आइलैंड। वेल वहाँ क्या खास बात है, वहाँ एक्चुअली खास बात है कि वहाँ हजारों की संख्या में रैबिट्स हैं, इतने सारे। तो एक्चुअली हर साल 2 लाख टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उन रैबिट्स को देखने एक्चुअली। और सिंस इतना अच्छा वहाँ गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक्चुअली यहाँ पोटेंशियल है टूरिस्ट का, तो होटल बकायदा अच्छा खासा बड़ा होटल है कि वहाँ लोग ठहर भी सकते हैं, कैफेज है, आप आराम से आप कॉफ़ी लो, खाओ पियो, सब कुछ कर सकते हो। और वहाँ छोटे छोटे सुवेनियर्स भी है रैबिट के, जैसे मग्स वगैरह जो आप ले जा सकते हो, तो अगर आपको रैबिट्स देखना शौक हो। उसके अलावा यू नो द राइड इज ऑल्सो वेरी नाइस, जो आइलैंड तक जाने का भी बहुत ही सुंदर लगता है। आप वहाँ बाइसिकल्स रेंट कर सकते हो, आइलैंड में घूम सकते हो, तो ये सब का भी आराम है। तो और देखिए वहाँ का जो रैबिट्स भी है ना वो बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको डराएगा कुछ करेगा, आप आराम से उनके साथ खेल सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, तो बहुत ही सही है। आई थिंक स्पेशली एनिमल लवर्स को तो मजा आ जाएगा वहां जाके, बच्चे आपके साथ तो दे विल लव इट। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतने हजारों के संख्या में रैबिट्स आए कहाँ से, वो भी इसी आइलैंड में। वेल एक्चुअली इसके पीछे बहुत डार्क पास्ट है। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के गवर्नमेंट ने केमिकल बेस्ड वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा था और वो एक्चुअली रैबिट्स के ऊपर टेस्ट हो रहा था। तो जितने भी पॉइजन बेस्ड वेपन्स थे वो रैबिट के ऊपर ही टेस्टिंग किया जा रहा था, इसलिए यहाँ कई सारे रैबिट्स है। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो रैबिट्स तो रह गए, तो उनको छोड़ दिया गया ऐसे आइलैंड में, सिंस प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स भी बंद हो गया, तो अब रैबिट्स को खा उनको एक्चुअली क्या जापान में कहना कि ऐसे फालतू लोग एनिमल्स को मारते नहीं है। दोस्तों मार्च 2020 तक कम से कम 84 एयरपोर्ट्स में बॉडी स्कैनर्स इंस्टॉल हो जाएंगे और ये मैंडेटरी है। उसमें जो हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स है उसमें तो एकदम मार्च 2020 तक होना ही है, बाकी एयरपोर्ट्स में अगले साल तक होने से भी चलेगा। तो यहाँ बेसिकली बॉडी स्कैनर्स क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स भी अच्छी तरह से पकड़ में आएगा। अभी क्या जो मेटल फोन डिटेक्टर्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स और जो बेसिकली हैंड इन मेटल डिटेक्टर्स होते हैं,
उनसे पूरा नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं लग पाता है, इसलिए बॉडी स्कैनर्स कंपल्सरी करें, मैंडेटरी कर रहे हैं। और स्पेशली हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स जैसे सब जो मेजर एयरपोर्ट्स है इंडिया के, जैसे दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई और कई एयरपोर्ट्स, 28 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो एकदम हाइपर सेंसिटिव है, वहाँ तो होना ही है। बस पैसेंजर्स को थोड़ा इनकन्वीनियंस जरूर होगा, क्योंकि जैसे बेल्ट्स, शूज, थिक क्लोदिंग, जैकेट्स, ये सब अपने को रिमूव करना पड़ेगा पहले से बॉडी स्कैनर में घुसने के पहले। वैसे देखा जाए तो अभी से ऑलरेडी बहुत से एयरपोर्ट्स में अपने को करना पड़ते ही है, बट एक रेगुलर फीचर हो जाएगा बॉडी स्कैनर जब से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोस में और बनाओ तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और कोई टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो उसके बारे में बताइए, तो मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगा कवर करने का। और जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देखे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि फ्यूचर में मैं जितना भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।